हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शिक्षक जंक्शन। बिकॉज अब नहीं तो कब। पिछली वीडियो में हमने लॉज ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में बात की और उनसे रिलेटेड प्रॉपर्टीज पढ़ी, और आज इस वीडियो में हम उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स पर डिस्कशन करेंगे। सो यहाँ बोर्ड पर ऑलरेडी मैंने कुछ प्रॉब्लम्स लिख रखी हैं, तो आप उनको सॉल्व करिए मेरे साथ एक एक करके। तो पहला जो क्वेश्चन है दैट इज गिवन है कि सिंप्लीफाई और उसको एक्सप्रेस करना है हमें पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में, मतलब कि अगर हमारा आंसर नेगेटिव पावर में आ रहा है तो उसको कन्वर्ट करके हमें पॉजिटिव मिलाना है। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें है -1/7 / 9 की पावर -11, फिर -8, फिर -1। तो अगर ये आप फॉर्म देखो तो ये फॉर्म कुछ a की पावर m इंटू a की पावर n वाली है, तो उसका फॉर्मूला a की पावर m प्लस n होता था। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला था पिछली वीडियो में। तो उसी के हिसाब से जो ये वैल्यू आएगी दैट कम्स आउट टू बी -7/9, और इन तीनों के बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई में गिवन है ये टर्म्स, तो इनकी पावर्स जो है वो ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो -11 प्लस -8 प्लस 1 जब आप करोगे तो इट कम्स आउट टू बी -7/9 की पावर -18। अब हमसे बोला है कि ये पॉजिटिव में होना चाहिए, तो हम यहाँ पर जो दूसरी प्रॉपर्टी यूज होगी दैट इज a अपॉन b टू द पावर -m, अगर आपको गिवन है तो आप उसे b अपॉन a की पावर m लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज करते हुए इसे आप 9/-7 की पावर 18 लिख दोगे, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तभी पिछली वीडियो अगर आप पूरी ध्यान से देखोगे तो ये वाले सम्स आपसे बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जो है पावर डिवाइड में हमारी, तो यहां पर भी हम जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं दैट इज a की पावर m माइनस n। जब पावर्स डिवाइड में होती हैं तो माइनस में हो जाता है, तो दैट इज -4/7 -4 माइनस ऑफ -10 लेंगे। वैसे भी जो बाद वाली डिजिट होती है वो नेगेटिव साइन के संग ऊपर जाती है, तो उसी तरीके से ये -4/7 -4 प्लस 10 करोगे तो इट कम्स आउट टू बी -4/7 की पावर 6, एंड दिस इज द आंसर, क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव में आ रहा है, एक्सपोनेंट जो है इसकी वो ऑलरेडी पॉजिटिव है। अब यहाँ की बात करें थर्ड क्वेश्चन जो है, इसमें जो हमारी फॉर्म है a की पावर m इंटू n वाली है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अगर याद हो आपको तो मैंने इसमें बताया था कि ये विलेन है, अंदर हीरोइन है बाहर हीरो है, तो ये विलेन जब चला जाएगा तो हीरो हीरोइन मिल जाएंगे, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगने वाला है। तो ये हमारा आ जाएगा 6/5 -5 इंटू -3 दैट इज 6/5 की पावर 15, इट इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन की बात करें तो जो रेसिप्रोकल है -1 है पावर, तो ये जो अंदर हो जाएगा ये हो जाएगा 1/5, सिमिलरली 1/3 होल पावर -1 डिवाइडेड बाय 1/6। पहले जो हमारी नेगेटिव पावर्स थी अंदर, हमने उनको पॉजिटिव में चेंज कर लिया है। उसके बाद जब आप इसे सॉल्व करोगे इट कम्स आउट टू बी 1/15 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय 1/6। अब इस माइनस साइन को चेंज करने के लिए यहाँ पर जो था अंदर की डिजिट्स क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल, तो ये आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 1/6। और आपको पता है कि जब डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो बाद वाली डिजिट्स रेसिप्रोकल हो जाती है, सो द आंसर कम आउट्स टू बी 90। क्लियर हो गया। अगर इससे रिलेटेड आपके कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या हमारी जो नीचे ईमेल आईडी आ रही है उस पर भी आप हमें अपनी प्रॉब्लम्स भेज सकते हैं। अब हमने फिर से यहाँ पर तीन क्वेश्चंस ऑलरेडी लिख लिए हैं, अब आप हम उनको सॉल्व करेंगे एक करके। इस वाले क्वेश्चन में वी हैव टू फाइंड एक्स और हमें ये रिलेशन गिवेन है। अब देखो अगर आप इन दोनों के बेसिस की बात करो तो इन दोनों के बेसिस कैसे हैं, सेम। जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स क्या हो जाती है हमारी, ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम यही करने वाले हैं, -5/7 ऐसे ही रहेगा और ऊपर हो जाएगा -11 प्लस -3 इज इक्वल टू -5/7
और इसकी होल पावर आ जाएगी 7x। फिर इसको आप सॉल्व करोगे तो इट कम्स आउट टू बी -5/7 की पावर -14 इज इक्वल टू -5/7 की पावर 7x। और फिर पिछली वीडियो को अगर आपने ध्यान से देखा है तो यहाँ आके आपको समझ आ गया होगा कि हमें क्या करना है। तो दिस इम्प्लाइज का साइन लगाओगे तो -14 इज इक्वल टू 7x। अब अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो एक हिंट यहाँ दे रही हूँ मैं उसका, कि अगर a टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m है तो ये रिलेशन तभी होगा जब n इज इक्वल टू m होगा। तो यहाँ दोनों के बेसिस ऑलरेडी सेम थे और इनकी ऊपर की जो पावर्स अगर इक्वल होंगी तभी ये जो हमारी इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो पाएगी। तो उसको जब सॉल्व करेंगे देन x इज इक्वल टू -14/7 एंड इट कम्स आउट टू बी -2। हो गया क्लियर? अब इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर हमें भी इस फॉर्म में गिवन है। तो क्या करोगे, पहले सबसे पहले नंबर को अरेंज करेंगे सही तरीके से, क्योंकि इसमें कई सारे ये जो हमारी पावर्स हैं वो नेगेटिव हैं, बीच में डिवीजन का साइन भी है, तो पहले हम उसको हटा के इसको एक प्रॉपर नंबर बनाएंगे। या ये भी कह सकते हैं कि ये अस्त व्यस्त है तो इसको अरेंज करके पहले सही से नंबर बना लें फिर उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे। तो जो नंबर था हमारा उसमें हमने लिख दिया 1/2 की पावर -1 डिवाइडेड बाय 2/3 की पावर -3। इसको रेसिप्रोकल कर लोगे तो ये हो जाएगा 2 और डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी पावर माइनस है तो हम इसे 3/2 की पावर 3 लिख देंगे, ठीक है। फिर ये हमारा आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय, अगर इसे खोल देते हो आप तो आ जाएगा 27/8। फिर डिवीजन में क्या होता है कि बाद वाली डिजिट रेसिप्रोकल हो जाती है जब हम मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं और इट कम्स आउट टू बी 16/27। अब ये अच्छे तरीके से एक नंबर दिख रहा है हमको, और तो अब हमें अगर रेसिप्रोकल लिखना है इस नंबर का तो रेसिप्रोकल ऑफ नंबर इज इक्वल टू, डिजिट्स को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटरचेंज कर देंगे एंड वी गेट 27/16 एज द आंसर। इन दिस क्वेश्चन आल्सो P/Q आपको गिवन है फिर ऐसे ही फॉर्म में, और आपसे पूछा है कि P/Q की पावर -3 क्या होगी। तो इसको भी पहले अरेंज करेंगे वैसे ही। अब देखो यहाँ पर लिखा है तो इसको अगर हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो अंदर वाली डिजिट्स जो हैं वो रेसिप्रोकल हो जाएंगी, डिवाइड बाय किसी भी कांस्टेंट नंबर की पावर 0 हमारा 1 होता है, ये भी हमने बताया था। तो अगर आप P/Q की वैल्यू निकाल ले हो तो वो हमारी आ जाती है 2/3 का स्क्वायर, और ये हमारा आ गया P/Q। यहाँ तक आ गए। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए P/Q टू दी पावर -3। तो हम दोनों तरफ पावर जो है वो -3 लगा रहे हैं, ठीक है। जो भी ऑपरेशंस होते हैं वो दोनों साइड होते हैं, एक साइड नहीं करोगे आप। तो जो हमारा आंसर आएगा दैट इज P/Q टू द पावर -3 इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ ब्रैकेट है, फिर वही जो ऊपर ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ बताई थी, इस पेज पे नहीं बताई है, इस पीछे वाले क्वेश्चन में बताई थी, तो वो आ जाएगी 2 × -3 और ये हमारा आ जाएगा 2/3 की पावर -6। फिर ये नेगेटिव एक्सपोनेंट में आ रही है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए फिर से रेसिप्रोकल कर देंगे इसको, और जो आंसर हो जाएगा दैट इज 3/2 to the power 6। क्लियर हो गया ये आपको? अब क्वेश्चन है हमारा, बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज 4/27 to the power -1। बोल रहा है कि इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें कि जो हमारा आंसर हो वो 4/27 to the power -1 आ जाए। तो सबसे पहले लेट कर लो, लेट द नंबर बी एक्स की जिससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, ये एटीपी बायो वाला नहीं है, ठीक है, ये मैथ्स वाला है। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, 2/3 की पावर -3 × x इज इक्वल टू
4 बाय 27 की पावर माइनस 1। अब हमने कि जैसे बता रखा है कि हमको नेगेटिव चीज़ें पसंद नहीं, तो हम इनको पटक देंगे, उल्टा कर देंगे और ये पॉजिटिव में चेंज करेंगे सबसे पहले, ठीक। तो आप चेंज करोगे इसे तो ये आ जाएगा 3 बाय 2 की पावर 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 27 बाय 4। समझ में आ रहा है? सॉल्व करोगे आप इसको ही आ जाएगा 27 अपॉन 8 इंटू एक्स इज इक्वल टू 27 अपॉन 4, और ये वाली टर्म इधर चली जाएगी मल्टीप्लाई में, और जो यू ऊपर होता है वो इक्वल टू के बाद डिवाइड में आ जाता है। तो x इज इक्वल टू 27 अपॉन 4 इंटू 8 इंटू 27 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे और x इज इक्वल टू आपका आ गया 2। मतलब कि अगर हम इस गिवन नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्रोडक्ट में ये नंबर मिल जाएगा। सिमिलरली एक और क्वेश्चन हमने कंसिडर कराया है, इसमें हमने डिवाइड वाला लिया है, ठीक है। तो देखो इसमें हमसे क्या पूछ रहे हैं कि बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी डिवाइडेड, इसको किससे डिवाइड करें, सो दैट द क्वेश्चन इज दिस। अब फिर इसमें भी हमने बताया था कि लेट द पहले नंबर ले लेंगे बी एक्स, ठीक। अब फिर 5 बाय 4 की पावर माइनस 1 को डिवाइड करा हमने x से, सच दैट जो हमारा रिजल्ट है वो हमारा ये है। फिर हमने कहा हमें नेगेटिव चीज़ें पसंद नहीं, इन्हें सबसे पहले पॉजिटिव करेंगे, दैट इज 4 बाय 5 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 16 बाय 15, ठीक है। अब ये डिवाइड में है तो क्या होता है कि इसको मल्टीप्लाई में चेंज करके 1 अपॉन x कर देते, क्लियर हो गया। फिर जो होगा ये और दोनों, ये दोनों डिजिट किधर जाएंगी, ऊपर, और ये दोनों नीचे। तो जो हमारा आ जाएगा उससे आ जाएगा 5 इंटू एक्स इंटू 16 इज इक्वल टू 4 इंटू 15, दैट इज x इज इक्वल टू 3 बाय 4। मतलब कि जब हम इस नंबर को 3 बाय 4 से डिवाइड करेंगे तो वी गेट 15 बाय 16 टू द पावर माइनस 1 एज द क्वोशेंट। अब इसके बाद हम लेने वाले हैं दो और सम्स, और उसके बाद आपके जितने भी डाउट्स हैं एक्सपोनेंट्स को लेकर होपफुली क्लियर हो जाएंगे। और ये सीनियर क्लासेस 9th में भी एक मेजर पोर्शन कवर करता है, तो इसका अच्छे से आना समझ में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज ऑफ सिंप्लीफाई, यू हैव टू सिंप्लीफाई 1 अपॉन 1 प्लस ए टू दी पावर एम माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस ए टू दी पावर एन माइनस 1 एम। ये क्वेश्चन गिवन है हमें और हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे लिखा इसको 1 प्लस ए एम माइनस एन, कब आता है, जब हम ए एम अपॉन ए एन करते हैं, है ना, प्रॉपर्टी पढ़ाई थी मैंने आपको, ऐसे ही यहां पर भी ऐसे ही कर लेंगे। ए एन माइनस एम कब आएगा, जब ए एन अपॉन ए एम होगा। यहां तक क्लियर हो गया? उसके बाद अब यहां पर भी यही कॉन्सेप्ट है कि अपने घर के काम इनसे निपटे नहीं है और ये ऊपर छत पे चले जाएं तो ऐसा हो नहीं पाएगा, पहले इन्हें अपने ये वाले जो काम यहां पर छोड़ रखे हैं वो निपटाने पड़ेंगे। तो एलसीएम लेंगे पहले, तो ये आ जाएगा ए एन प्लस ए एम अपॉन ए एन। अब आ गया, यहां का काम निपट गया इनका, अब ये ऊपर जा सकते हैं, उससे पहले ये ऊपर नहीं जा सकते थे। सिमिलरली यहां पर भी ऐसा ही करना पड़ेगा इन्हें, ठीक है। अब जब ये तीन टर्म्स अपॉन में आ जाती हैं तो फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लाई हो जाती है, तो जब मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर ए एन इंटू वन की, तो ये ऐसे ही रहेगा और यहां हमारा आ जाएगा ए एम और नीचे आ जाएगा ए एम प्लस ए एन। देखो ये दोनों टर्म सेम है, तो एलसीएम जब आप लोगे तो ए एम प्लस ए एन आ गया, नीचे दोनों चीजें सेम है तो यहां पर भी ए एन प्लस ए एम आ जाएगा। अगर इसको ऐसे भी लिख दोगे तो भी कोई फर्क नहीं है, और वैसे भी लिखा रहने दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो सेम हो गई टर्म्स, कैंसिल आउट एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हमें फिर से सिंप्लीफाई करना है, x a प्लस बी होल टू इंटू एक्स बी प्लस सी, यहाँ पर भी टू सही, एक्स सी प्लस ए इंटू टू डिवाइडेड बाय एक्स की पावर ए इंटू एक्स की पावर बी इंटू एक्स की पावर सी और होल पावर है इसकी फोर। ये क्वेश्चन है हमारे पास, हमें इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये ब्रैकेट हटाएंगे और जो ऊपर वाली टर्म्स हैं उन्हें मिलने देंगे, जैसे कि हमने पीछे बताया था, ठीक है। विलन को हटाना है, वही वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करा है। फिर यहाँ पर भी ऐसे ही 2b प्लस 2c आ जाएगा और सिमिलरली यहाँ पर भी 2c प्लस 2a आ गया। नीचे देखो यहाँ पर तीनों के बेसिस सेम है, तो पहले पावर्स ऐड कर लो अंदर ही और बाहर लिखा रहने दो 4। अब ऊपर वाली टर्म्स के तीनों के बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। तो जो ऊपर की टर्म आएगी दैट इज 2a प्लस 2b प्लस 2b प्लस 2c एंड प्लस 2c प्लस 2a डिवाइडेड बाय x की, इसको भी अंदर ले आएंगे, ब्रैकेट हटा देंगे इसका। यहां तक आ गए, ठीक है। इसको ऐड करोगे जब आप तो ऊपर भी बन जाएगा 4a प्लस 4b प्लस 4c, नीचे भी क्या बन रहा है 4a प्लस 4b प्लस 4c एंड इट कम्स आउट टू बी 1। अब ये मत सोच लेना कि ऐसे हर क्वेश्चंस के आंसर 1 ही आएंगे, वो वेरी कर सकते हैं। ये दो पर्टिकुलर क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें ये 1 आ रहा है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपके एक्सपोनेंट से लेकर कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, पर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।